पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया। वो 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ ज्यादा पाया गया और इसी के साथ गोल्ड मेडल का मौका विनेश के हाथों से फिसल गया, जिस पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने दुख जताया है। भारत की गोल्डन गर्ल स्वर्ण पदक से सिर्फ एक कदम दूर थी। पूरे देश को उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूटी मेडल से चूकी और चैंपियन बेटी बिना मेडल भारत वापस लौट रही है। कुश्ती में जिस जापान की पहलवान को हराकर विनेश फोगाट ने दुनिया ही वो फाइनल का मुकाबला खेल पाएंगी, क्योंकि विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट और अब वो किसी भी पदक के लिए दावेदार नहीं है, यानी कि अब विनेश फोगाट को खाली हाथ देश वापस लौटना होगा। यही नहीं, अब भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। उम्मीद सिर्फ विनेश फोगाट की नहीं टूटी, बल्कि आज पूरा देश गम और गुस्से में है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक दुख जता चुके हैं। पीएम मोदी ने लिखा, विनेश आप चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। तो दूसरी तरफ लोकसभा में विनेश फोगाट के मामले में भारी हंगामा हुआ। इस बीच खेल मंत्री ने सदन के पटल पर अपनी बात भी रखी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गए। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। इस निराशा की घड़ी में पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है। सीएम योगी ने भी इस मामले पर दुख जताया तो अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। सीएम योगी ने कहा, विनेश फोगाट जी आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव हैं, विजेता हैं, चैंपियन हैं, निराश मत होइए। तो अखिलेश ने कहा, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की गहरी जांच होनी चाहिए, पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। यानी एक तरफ केंद्र सरकार विनेश फोगाट को चैंपियन मान रही है, विनर बता रही है, लेकिन इस दुख की घड़ी में कुछ सियासतदान घटना को सियासी एंगल दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विनेश फोगाट मामले पर डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुँची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए। बहुत दुख हुआ और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है। ये खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाए। विनेश फोगाट मामले पर एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा कि सरकार मामले पर गंभीर नहीं है।
देखिए, हमारा फर्ज था विपक्ष होने के नाते कि हम सरकार से सवाल जवाब करें। जो ओलंपिक्स में हुआ, हमारे देश की इतनी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको दो बाउट में उनका वेट भी क्लियर था, लेकिन तीसरे में क्या वजह रही, किस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि वो एक ना एक मेडल की तो हकदार बनती ही थी। तो इस पर हमने सरकार से जवाबदेही चाही है और इसी के मत में हम सब ने वॉकआउट भी किया है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। पहले भी जब खिलाड़ी, हमारी महिला खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, और इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि उनकी तैयारी में भी इन जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया है उस वजह। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने पर कुश्ती कोच जबर सिंह सोम का बयान सामने आया, और जबर सिंह सोम का कहना है कि विनेश ने काफी ज्यादा वजन घटाया था, लेकिन वजन घटने की सीमा होती है। कोई खिलाड़ी वजन ज़्यादा घटाता है तो मान लिया रात को जो है कुछ थोड़ा भी खा पी लेंगे, हम जो है कुछ भी खा पी लेते हैं जैसा, तो वजन एकदम से बढ़ता है। हाँ, वजन ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसने जो था कुछ खाया पिया होगा जरूर अवश्य, यही वजन नहीं तो बढ़े नहीं था। अच्छा। क्योंकि कल तो पसीना भी निकला है भाई, तीन बाउट हुई हैं उसमें पसीना भी निकला है, लेकिन जो है तो फिर तो वैसे तो मैंने रात को कुछ ना कुछ खाया पिया है जिसके कारण एकदम से वजन बढ़ा है। एक लिमिट ऐसी आ जाती है वजन घटाते घटाते कि उसके बाद वजन घटना बंद हो जाता है, चाहे 100 ग्राम हो या 50 ग्राम हो भाई, इसके हर चीज़ की एक सीमा होती है, वजन घटाने की भी सीमा होती है, ताकत बढ़ने की भी सीमा होती है। तो जो है तो उम्मीद है कि मान लिया भाई इसने मेहनत करी होगी, लेकिन कुछ खाया पिया भी जरूर होगा, नहीं तो वजन इतना नहीं बढ़ता भाई। भी इतना पसीना भी निकला है अवश्य ही, अब उसने मेहनत भी करी होगी, पसीना भी निकाल रहा है, लेकिन फिर भी 100 ग्राम पर आका अटक गया, वजन नहीं आया होगा। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।